@9 काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर @9। दर्शकों, आज दिल्ली थरथराई है। दर्शकों, दिल्ली में जो गैंगस्टर का जो एक ट्रेंड चला है वो अब रुकने का नाम नहीं ले पा रहा है। दर्शकों, बीते कई सालों से हमने कई युवकों को देखा, कई नव युवकों को देखा जो अपने आप को दिल्ली का टॉन, गैंगस्टर ये सब कहते आ रहे हैं, और इन चीजों से नए युवा दिल्ली के उत्साहित होते हैं। दर्शकों, एक बार फिर आज दिल्ली में एक गैंग वॉर हुई। ये उसी गैंग वॉर की तरह है जैसा कि हम पहले मुंबई में देखा करते थे, जिनको लेकर आज फिल्म्स बनती हैं, मूवीज बनती हैं, और इन मूवीज को देखकर हमारे यहां के नए युवा प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और जिसकी वजह से ये गैंग वॉर्स रुकने का नाम नहीं। दर्शकों, पहले नीरज भवाना जो अपने आप को दिल्ली का डॉन कहता था, नीरज भवाना को गिरफ्तार किया गया। दर्शकों, नीरज भवाना की देखा देखी पता नहीं कितने दिल्ली के युवाओं ने नीरज भवाना के स्टेटस लगाए, नीरज भवाना के फोटोज अपने स्टेटस में लगाए, नीरज भवाना की तस्वीरें उन्होंने अपने घरों में चिपकाई। नीरज भवाना उनका हीरो था। और अब दर्शक, ये जितेंद्र गोगी जिसकी आज हत्या कर दी गई, और हत्या किसने की गई? हत्या उसने की जो उसका राइवल गैंग था, और ये राइवल गैंग, गैंगस्टर्स, शूटिंग, ये सब जानते हैं कितनी साल के युवक कर रहे हैं? ये 30 साल के लड़के कर रहे हैं। और ये आज से नहीं दर्शकों, ये पिछले एक दशक से इसी तरह का काम कर रहे हैं। दिल्ली में ये एक बीमारी की तरह है, जहां पर 17, 18, 19, 20 साल के टीनेजर्स, दर्शकों ये टीनेजर्स, ये लोग एक बहुत बुरी संज्ञा में फंस चुके हैं। दर्शकों, दिल्ली में इसको फैंटेसाइज किया जाता है, दिल्ली में इसको मॉडर्नाइज किया जाता है, दिल्ली में इसको फैंसी बताया जाता है, दर्शकों दिल्ली में इसको बहुत हीरोइक बताया जाता है। जो गैंगस्टर्स हैं वहां पर ये मूवी देखकर जो लड़के बड़े हो रहे हैं, ये यूपीएससी में नहीं जाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जाते, ये लड़के आईएएस पीसीएस नहीं बनना चाहते। ये मैं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की और इधर हरियाणा की भी बात कर रहा हूं। इस पूरी बेल्ट में दर्शकों, नए लड़कों को एक खुमारी चढ़ी है गैंगस्टर बनना है, और ये हम लगातार देख रहे हैं। हर महीने इस तरीके की खबरें देखता हूं कि वहां गैंग वॉर हुई, वहां गैंग वॉर हुई, और यह सब होता है फिल्म की वजह से, यह सब होता है क्राइम स्टोरीज की वजह से, जहां पर फैंटिसाइज किया जाता है, जहां पर एक बदमाश, एक गैंगस्टर, एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। दर्शकों, आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज एक ऐसा वाकया हुआ है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। हमने दर्शकों इससे पहले देखा था कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, कोर्ट के बाहर बदमाशों के बीच फायरिंग होती, गोली चलती, किसी की हत्या हो, लेकिन यह पहली दफा ऐसा मामला है दर्शकों जहां पर कोर्ट रूम के अंदर, जहां पर न्याय दिया जाता है, दर्शकों जो सबसे सेफेस्ट प्लेस हो सकता है, वहां पर दो बदमाश, टिल्लू गैंग, दर्शकों कितना सुनकर अजीब लगता है, ये लोग अपने गैंग्स बनाते हैं, इसमें बच्चों को भर्ती करते हैं, टिल्लू गैंग, गोगी गैंग, बवानिया गैंग, भाटी गैंग, और इसमें 17-18 साल के नए युवकों की, जिनके अंदर जोश है, जो कुछ कर सकते थे, राइट ट्रैक पर जाकर कुछ कर सकते थे, उनको फैंटेसाइज किया जाता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं। ये उसी तरह है जैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको गैंगस्टर बनाया जाता है, और गैंगस्टर बनाने के बाद दर्शकों इनकी जिंदगी ये होती है, या तो इनको मौत मिलती है, या तो ये इनकी हत्या कर दी जाती है, या दर्शकों इनका एनकाउंटर होता है और इनकी लाश सड़क, कूचे, गली, नुक्कड़ किनारों पर कहीं पड़ी मिलती है, जिसे कुत्ते नोच रहे होते हैं। कोई इनको क्लेम नहीं करता, कोई इनकी डेथ बॉडीज को क्लेम नहीं करता, और यही इनका हश होता है, और ये बार बार होता है। लेकिन
यह सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों इस तरह की चीज हमें बार बार देखने को मिलती है दिल्ली। जब दर्शकों एक तरफ बवानिया गैंग था उसको लेकर इतना फैंटेसाइज किया गया, आई डोंट नो व्हाई, उसको क्यों फैंटेसाइज किया गया। छोटे छोटे बच्चे दिल्ली के कहते थे मूवीज बनाइए, स्टेटस लगा रहे, फोटो लगा रहे, और आज जिस गैंगस्टर की हत्या हुई है उसकी भी लोग फोटो लगाते हैं दिल्ली में, स्टेटस बनते हैं, पीछे गाने चलते हैं। जब 16 साल का था तो खलनायक देख ली, उस दिन से गाड़ी में 32 बोर रख ली, ऐसे गाने बजते हैं और इनको देखकर युवा उत्साहित हो। दिस इज सो रॉन्ग। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आसपास ये कल्चर एक महामारी की तरह फैल रहा है जो हमारे युवाओं को निगल रहा है। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर आज हुआ क्या। आज देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट उस समय गोलियों की आवाज से गूंज उठी जिस वक्त पेशी पर आए दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को वकील के लिबास में आए विरोधी गुट को दो शूटर्स ने गोलियों से भुनकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों को भी मार गिराया है। इस दौरान पुलिस और हमलावरों के बीच करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि जितेंद्र गोगी पर यह हमला टिल्लू गैंग के शूटर्स ने किया है। बता दें कुख्यात गैंगस्टर गोगी को इसी साल मार्च महीने में उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जितेंद्र गोगी पर 20 लाख रुपए का इनाम भी था। यह इनाम हरियाणा पुलिस ने हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया मर्डर केस में रखा था। अब 20 लाख का इनामी बदमाश कोई छोटा मोटा बदमाश तो नहीं हो सकता। तो आइए आपको बताते हैं आखिर कौन था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। तिहाड़ जेल में रहकर चलाता था रंगदारी का धंधा। जितेंद्र गोगी मात्र 30 साल की उम्र में ही गुनाहों की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टॉप पर रह चुके गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसके तिहाड़ जेल में रहते हुए दुबई के एक कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि वह तिहाड़ जेल में रहते हुए ही फिरौती के लिए अगवा करने और सुपारी लेकर मर्डर करने का काला कारोबार चलाता था। गैंग से साथ मिलकर जितेंद्र गोगी ने एक नेता को मारी थी 26 गोलियां। दिल्ली के नरेला इलाके में एक स्थानीय नेता वीरेंद्र मान की हत्या में गोगी और उसके गुर्गों का नाम सामने था। बताया जाता है कि जितेंद्र गोगी और उसके गैंग ने दिन दहाड़े वीरेंद्र मान को 26 गोलियां मारी थी। वहीं दिन दहाड़े घटी इस घटना से नरेला इलाके में गोगी की ऐसी दहशत फैल गई थी कि हर किसी के चेहरे पर जितेंद्र मान गोगी का डर दिखाई देने लगा था। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने हरियाणा की जानी मानी सिंगर डांसर हर्षिता दहिया की हत्या की थी। 2 साल पहले साल 2017 में 22 साल की सिंगर पर गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतारने का गैंगस्टर जितेंद्र गोगी तभी से फरार चल रहा था, जिसके बाद इसी साल मार्च महीने में पुलिस ने गोगी को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर के महीने में हुई उस वारदात के वक्त हर्षिता अपने प्रोग्राम से वापस लौट रही थी जब हमलावरों ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर 4 गोलियां मारी थी। इस पूरे घटनाक्रम में जितेंद्र का भी नाम सामने आया था। इस मर्डर केस में हर्षिता दहिया के ही जीजा ने बाद में कबूला था कि इस कत्ल के पीछे उसका ही हाथ है। दिनेश ने ही जितेंद्र उर्फ गोगी को हर्षिता की हत्या करने की सुपारी दी थी। हालांकि तब ये बात सामने आई थी कि इसके लिए जितेंद्र ने कोई रकम भी नहीं ली थी और दोनों की सहमति के बाद जितेंद्र और उसके आदमियों ने पानीपत में हर्षिता की हत्या कर दी थी।
अब उस घटना के करीब 4 साल बाद जितेंद्र उर्फ गोगी की उसकी विरोधी गैंग द्वारा हत्या कर दी गई है। रोहिणी कोर्ट में जब जितेंद्र को पेशी के लिए लाया गया था, तब वहां वकील के भेष में हमलावर आए और उसे एक गोली मार दी। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने भी दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। कभी गोगी और टिल्लू हुआ करते थे दोस्त। सुनील उर्फ टिल्लू और गोगी गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों गैंग के बीच कई बार गैंग वॉर हो चुका है। बताया जाता है कि ताजियापुरिया गांव का टिल्लू और अलीपुर गांव का गोगी कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के अलग अलग गैंग है। जितेंद्र उर्फ गोगी का जन्म साल 1991 में दिल्ली के गांव अलीपुर में हुआ था। गोगी के पिता मेहर सिंह एक निजी ठेकेदार थे। श्रद्धानन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गोगी कॉलेज के कुछ नेताओं के संपर्क में आया और कॉलेज के चुनाव में हिस्सा बन गया। चुनाव के दौरान जितेंद्र की सामने खड़ी पैनल के उम्मीदवारों से लड़ाई हो गई, जिन्हें टिल्लू गैंग सपोर्ट कर रहा था। जितेंद्र गोगी ने अपने साथियों रवि भारद्वाज, बंटी, अरुण, कमांडो, दीपक, मोनू, कुलान मान और सुनील मान के साथ मिलकर संदीप और रविंद्र पर गोलियां चलाई। ये दोनों ही टिल्लू तजपुरिया के करीबी थे। धन गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी भी कर रहा था। दूसरी ओर एक अन्य छात्र टिल्लू गैंगस्टर का चचेरा भाई सुनील टिल्लू निवासी ग्रामपुर ताजपुर भी विपरीत पक्ष से एक उम्मीदवार था। सुनील उर्फ टिल्लू के गुट के सदस्यों ने किन्हीं कारणों से इलेक्शन के दौरान अरुण उर्फ कमांडो को पीट दिया था, जिसके बाद गोगी गुट के प्रत्याशी ने उस चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया और सुनील उर्फ टिल्लू के समूह के प्रत्याशी ने वह चुनाव जीत लिया। लेकिन उस घटना ने दोनों के बीच एक ऐसी रंजिश को जन्म दे दिया, जिसका अंत आज गोगी की हत्या के रूप में हुआ। बता दें, इसी रंजिश की शुरुआत के बाद जितेंद्र गोगी गैंग ने टिल्लू गैंग के दो लोगों संदीप और रविंद्र की हत्या कर दी थी। इस दुश्मनी की एक दूसरी भी वजह है। सूत्रों के मुताबिक दीपक उर्फ राजू जो कि टिल्लू ताजपुरिया का बेहद करीबी था और उसी गांव का रहने वाला था, उसका जितेंद्र गोगी की रिश्ते की बहन के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों आपस में चोरी छुपे भी मिला करते थे, जिसके बाद दीपक ने खुद को जितेंद्र गोगी का जीजा बोलना शुरू कर दिया था। दीपक खुद को पूरे अलीपुर गांव का दामाद बोलता था। इस बात से भी जितेंद्र गोगी काफी खुन्नस में रहता था और एक दिन मौका पाकर उसने महिंद्रा पार्क इलाके में दीपक का सरेआम कत्ल कर दिया। इस घटना के बाद 4 लोगों को योगेश उर्फ टुंडा, कुलदीप उर्फ फजा, दिनेश और रोहित को गिरफ्तार किया गया और आरोपी जर्नैल उर्फ जेल को स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपी जितेंद्र उर्फ गोगी को 3 मार्च 2016 को पानीमत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जुलाई 2016 के महीने में वह बहादुरपुर क्षेत्र में न्यायिक हिरासत से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं दीपक उर्फ राजू की उस हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू के गिरोह के सदस्यों ने कमांडो की हत्या को अंजाम दिया, जो गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी का सहयोगी था। उस मामले में एक सोनू उर्फ दबंग निवासी ग्रामपुर ताजपुर को गिरफ्तार किया गया था और सुनील टिल्लू 1 वर्ष से अधिक समय तक फरार रहा था और बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और अभी दिलहल गैर न्यायिक हिरासत में चल रहा है। अरुण उर्फ कमांडो की हत्या के मामले को एक निरंजन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था और वह इस मामले में गवाहों में से एक था। फरार रहने के दौरान आरोपी टिल्लू ने निरंजन उर्फ मास्टर पर इस मामले से दूर रहने का दबाव बनाया था और जब वो गवाही से नहीं मुकरा तो टिल्लू और उसके साथियों ने प्राथमिकी संख्या के तहत सोनीपत में निरंजन की हत्या को अंजाम दिया। दोनों गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और सुनील टिल्लू एक दूसरे के वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे। न्यायिक हिरासत से भागने के बाद गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने दुश्मन गैंग से बदला लेने के मौके तलाशना शुरू कर दिया था और फरवरी 2017 में अलीपुर के प्रधान की हत्या कर दी, जो सुनील टिल्लू के हमदर्द और अन्य सहयोगियों को खत्म करने की तलाश में था।
सुनील टिल्लू गैंग 30 जुलाई 2016 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को जिंद में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उस वक्त वो अपने साथियों की मदद से पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जिसके बाद गोगी पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया। और आज ये दुश्मनी एक अंजाम पर पहुंच चुकी है, जब टिल्लू गैंग के शूटर्स ने जितेंद्र गोगी की कोर्ट में हत्या कर दी। तो दर्शकों, ये वो रिपोर्ट थी जिसके जरिए हम आपको बताना चाहते थे कि किस तरह, किस तरीके से और किन हालातों में इनका काम तमाम होता है। तो जो लोग दिल्ली में, दिल्ली सटे हरियाणा में, सटे उत्तर प्रदेश में इन चीजों को फैंटेसाइज करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि इसका अंत केवल मौत से होता है। यह वही गोगी था जिसकी वजह से हरियाणवी सिंगर हर्षिता की हत्या की गई। इसी गोगी ने हरियाणवी सिंगर हर्षिता की हत्या की, जिसकी वजह से एक निखरती सिंगर की जान चली गई। दर्शकों, इसने तमाम लोगों की कई हत्याएं की और लोगों ने इसका बोलबाला किया, रौला दिखाया, लोगों ने बताया हाउ डेयरिंग ही इज नॉट डेयरिंग, ही इज अ कावर्ड। वो एक कावर्ड था जो चार चेले चिंटू, चार देसी तमंचों की दम पर गुंडागर्दी किया करता था, पुलिस से हथियार छीनकर उन पर फायर किया करता था। और जिस दिन ये लोग ऐसे गलत कामों में पड़ते हैं, उसी दिन इनका डेथ वारंट साइन हो जाता है। ऐसे में हमारे संवाददाता हैं नीरज, जो इस वक्त रोहिणी कोर्ट के बाहर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। तो नीरज के पास सीधे लिए चलते हैं। नीरज, क्या कुछ कह रहे हैं रोहिणी कोर्ट से? अभी हम खड़े हैं रोहिणी कोर्ट के बाहर, और रोहिणी कोर्ट की बात की जाए तो आज दिन में रोहिणी कोर्ट के अंदर गोगी गैंग के सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे जो आए थे वो एडवोकेट की ड्रेस में आए थे, वो काला कोट पहन के, वकील का काला कोट पहन के आए थे। और अगर बात अगर सवालिया निशान की होती तो सवालिया निशान आज दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर, कोर्ट जैसी संवेदनशील जगह के ऊपर हथियार लेकर बदमाश कैसे कोर्ट के अंदर एंट्री चला जाता है, जबकि गेट पर, हर गेट के ऊपर पुलिस का पहरा तैनात होता है। पुलिस जो है वहाँ पर आधार कार्ड चेक करती है, कार्ड जो है वो चेक करती है, उसके बाद ही कोर्ट के अंदर जाने की एंट्री दी जाती है। मगर ये किस तरह एडवोकेट का रूप धारण कर और ये कोर्ट के अंदर घुसते हैं, और पेशी पर आए गोगी गैंग के दो लोग, एक तो गोगी गैंग का खुद लीडर गोगी था और एक उसके साथी था जो पेशी के ऊपर आए थे, और पेशी के ऊपर आने के बाद ही जैसे ही वो जज के सामने पेशी पर जाते हैं, अब जो हत्यारा है वो गोली निकाल के उनको वहाँ पर शूट कर देता है, मार देता है। और इसी को देखते हुए पुलिस ने भी एनकाउंटर किया, जिसके अंदर हत्यारे की गोली लगकर मौत हो गई। बट सबसे बड़ा सवालिया निशान जो आज की तारीख में खड़ा होता है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़ा होता है, कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ये सब हत्या कैसे हुई। दिल्ली पुलिस के जो नौजवान थे, दिल्ली पुलिस के जो टीम है वो लगातार गेट के ऊपर पहरा देती है, हर चीज़ की वहाँ पर एंट्री की जाती है, हर चीज़ की बारीकियों से जांच की जाती है। उसके मद्देनज़र भी आज इतना बड़ा हत्याकांड जो रोहिणी कोर्ट के अंदर हुआ है वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो ज़रूर पुलिस के ऊपर पैदा करता है। जो जज के सामने दो लोगों को गोली मारी है, उनकी हत्या हुई है, ये अपने आप में एक ना एक कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद हत्यारा जो है पिस्तौल लेके वो कैसे कोर्ट के अंदर एंट्री कर जाता है, कोर्ट के अंदर कैसे दाखिल हो जाता है, ये अपने आप में एक सोचने का जरिया है। फिलहाल रोहिणी कोर्ट है उसको सील कर दिया गया है, सारे पुलिस के आला अधिकारी जितने भी हैं इस टाइम यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और जो कोर्ट के अंदर CCTV कैमरे लगे हैं उनको अपने कब्जे में लेकर जाँच की जा रही है कि कौन अपहरण करता था और किसने हत्यारा थे, कौन जिसने ये इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो इस टाइम रोहिणी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। कैमरामैन जैसी के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ 1। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आप वहीं बने रहिएगा रोहिणी कोर्ट के बाहर। आपको बता दें कि अभी जो अपडेट मेरे पास निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि वहां पर एरिया को सील कर दिया गया है, ये बड़ी ब्रेकिंग है, एरिया को सील कर दिया गया है। और इसके साथ ही बार एसोसिएशन ने मीटिंग बुलाई है जिसमें फैसला लिया गया है कि वो न्यायिक कार्य से विरत। तो ये कुछ वकील भी हैं जो अब इसको लेकर आक्रोशित हैं, उनका कहना है कि कोर्ट परिसर के अंदर दो बदमाश कैसे घुस गए,
ये नाकामी है पुलिस प्रशासन की। इसके साथ ही दो बदमाश वकील की वेशभूषा में कैसे कोर्ट रूम के अंदर घुस गए, ये उनका कहना है, जिसको लेकर अब वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन जैसा कि अभी नीरज बता रहे थे कि यह बड़ा सवाल उठता है, इस सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठता है, जब एक जज की हत्या झारखंड में हमने देखने को मिली थी कि एक जज ने एक माफिया को फैसला सुनाया था और जिसके बाद कई सालों बाद उस जज की सुबह जब वो टहलने जा रहा था, जब जॉगिंग पर जा रहा था, तो उसकी हत्या कर दी। तो दर्शकों यहां भी तो वही हाल है, देश की राजधानी में अगर दो बदमाश कोर्ट परिसर के अंदर जा सकते हैं बंदूक लेकर हथियार लेकर, तो कोर्ट परिसर के अंदर कोर्ट रूम के अंदर बैठा वो जज जो माफियाओं को फैसले सुनाता है, जो बड़े बड़े बदमाश बड़े बड़े गुंडों बड़े बड़े अपराधियों को सजा देता है, उसकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? एक बड़ा सवाल है दर्शकों, क्योंकि आज जो रोहिणी कोर्ट में हुआ है उसको महज इस खबर इस हेडलाइन की नियत से ना देखा जाए कि रोहिणी कोर्ट के अंदर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज दोपहर में रोहिणी कोर्ट में दो बदमाश घुसे जो कि टिल्लू गैंग के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अंदर जाकर गोगी गैंग के दो सदस्य जिसमें खुद गोगी लीडर और इसके साथ एक और व्यक्ति था उस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद गोगी की जो लीडर है उसकी हत्या हो गई और इसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट करा जिसमें उन दोनों बदमाशों को भी मार दिया गया। तो कुल तीन लोगों की हत्या की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर गोगी के अंदर घुसकर हत्या करी जा सकती है तो वहां जो जज बैठा है, जो महामहिम बैठे हैं, जो योर ऑनर बैठे हैं, वो जो वहां पर बैठे हैं, तो उनकी भी हत्या की जा सकती है। दैट्स सो सिंपल एंड सो डिस्गस्ट। क्योंकि दर्शकों थोड़ा सा सोचिए कि एक कोर्ट परिसर, एक न्यायिक जगह जहां पर न्याय मिलता है, वहां पर बदमाश घुसकर गोली चलाते हैं और एक बदमाश की हत्या कर देते हैं। गैंग वॉर चल रहा है, कोर्ट के अंदर गैंग वॉर चल रहा है, ये क्या है? कभी आप सोच सकते हैं गैंग वॉर चलते हैं? सुना होगा गैंग वॉर परिसर के बाहर हो गए, किसी जगह पर हो गए, फलानी रोड पर हो गए, चौराहे पर हो गए। अब आप सुनते हैं कि गैंग वॉर जज के सामने हो रहा है, गैंग वॉर कोर्ट रूम के अंदर हो रहा है। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। और अगर इन चीजों को देखकर युवा आगे बढ़ रहे हैं तो आपका भी हाल यही होगा, गोली सर पर, दिमाग पर, माथे पर या फिर सीधे छाती पर। ये सिर्फ बदमाश हैं, इनकी जगह सड़क रोड किनारे नुक्कड़ चौराहे नालियों में है, वहीं इनकी मौत होती है, वहीं इनकी हत्या होती है और ये वहीं पड़े मिलते हैं। दे आर नॉट हीरोज, दे आर गैंगस्टर्स, दे शुड बी किल्ड। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।